प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मंत्रों के बारे में। दोस्तों, मंत्र कहाँ संचित होते हैं और ये कैसे कार्य करते हैं? दोस्तों, हर जीव को की उत्पत्ति उसकी माँ के द्वारा होती है। दोस्तों, इसी प्रकार से इस जगत की के जनक बोलते हैं, जिनके पैदा किया है उनको हम ब्रह्मा जी बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी के साथ में जो पालन करने वाले हैं उनको विष्णु बोलते हैं, और जो संहार करता है इस सृष्टि का उनको हम शिव कहते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी हमारी माँ के समान हैं। दोस्तों, कोई भी बच्चा जब शरारत करता है या किसी भी प्रकार से दुखी रहता है, माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए शुभ की ही सोचती है और उनके सुखों की ही अपेक्षा रखती है। माँ कभी नहीं चाहती कि मेरा बेटा व्यथित हो, दुखित हो। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी कभी नहीं चाहते कि मेरे बनाए हुए जीव दुखी हो। दोस्तों, हम जिन मंत्रों की सिद्धि करते हैं वो सारे मंत्र हमारे ब्रह्मा जी के पास ही संचित होते रहते हैं। और दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि ये मंत्र किस प्रकार से काम करते हैं। दोस्तों, पुण्य किए हुए, संचित किए हुए कर्म हमारे अर्जित होते रहते हैं, अर्जित होते रहते हैं। इसी प्रकार से हमारे सिद्ध किए हुए मंत्र भी ब्रह्मा जी के पास अर्जित होते रहते हैं, अर्जित होते रहते हैं, अर्जित। तो इसी प्रकार जिस प्रकार से हम मंत्र सिद्धि करते हैं, तो हम इन मंत्रों को केवल ब्रह्मा जी को ही अर्पित करते हैं कि ब्रह्मा जी हमारे इन मंत्रों को संभाल कर रखना और हमारे कार्य में पूर्णता प्रदान करना। बस ब्रह्मा जी यही काम करते हैं। दोस्तों, जब आपको किसी भी प्रकार की मुसीबत आती है और आप उन मंत्रों का स्मरण करते हैं, तो ब्रह्मा जी सीधे उन मंत्रों को उस देव के पास पहुंचा देते हैं जिनके वो अधिष्ठाता है। तो दोस्तों, बस ब्रह्मा जी के द्वारा पहुंचाए हुए मंत्रों को वो दे कभी भी रोक नहीं सकते और वे मंत्र तुरंत कार्य करना शुरू कर देते हैं और सहज ही काम बनना शुरू हो जाता है। दोस्तों, कैसा लगता है आपको ये प्रोग्राम? अधिक जानकारी के लिए आप अपने प्रिय चैनल अल्टीमेट ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।